Welcome students, guys, parents and teachers. If teachers are seeing my video, then welcome all of you. Okay, this is my first lecture and also video. In this lecture, I am going to tell you about the abacus. If you have not been joined your abacus classes, abacus section in your school times, then this channel would be helpful for you to score better and also best in your mathematics subject. Okay, so let's start. This is our abacus bag. Okay, it's our abacus bag. And we'll look about it. So this is a one shoulder belt. Okay, this is a pocket or something, coin pocket, think so, and a water bag pocket, a shelf here. So let's unbox it up. Okay. Oh, it's abacus. Okay. Some basic things are there, such as pencils. Oh, abacus also. Okay. Some basic things: abacus, pencil, a short eraser, a long eraser, and a sharpener. Okay, these all are the basic things of abacus. Okay, so let's get started. Let's check up what would we getting from our bag. First level bag में कितने books रहते हैं देखते हैं जरा. ओके, ये बुक्स हैं हमारे. हमें यहाँ पे 3 बुक्स मिले हैं. ओके, फर्स्ट इज़ बुक ए, फाउंडेशन बुक, सिप एबेकस. ओके, सेकेंड बी बुक, फाउंडेशन वन मीन्स लेवल 1. ओके, नाउ दिस फाउंडेशन इज टिल 4th and after that 4th higher class and then GM sessions. Okay, GM session starts between 8th, 9th, 10th and 11th. Okay, so this is also abacus, SIP abacus, and this is last book, C and D, foundation 1, SIP abacus. Now these stars, this I have got in my abacus sessions, so which I am going to teach you here. Okay, so let's start with the A book. Okay, हम हमारे A book से चालू करते हैं. चलो तो चलो हम हमारी बुक को ओपन करते हैं. यहाँ पे हमें बताया है कि स्टूडेंट्स मतलब आपका रोल यहाँ पे 20% रहना चाहिए, आपके पेरेंट्स का 30 और मेरा, मैं जो इंस्ट्रक्टर हूँ, मेरा यहाँ पे 50% रोल है. ओके, सो लेट्स चेक इट आउट. ये हमारा अबेकस है. ओके ओके, प्रीटी इंटरेस्टिंग बीट्स. ओके, सो लेट्स स्टडी अबाउट अबेकस. ये देखिए, ये जो रहते हैं ये वर्टिकल लाइन्स, इसे हम बोलते हैं रॉड. ओके, और ये जो बड़ी लाइन है इसे हम बोलते हैं डिवाइडर. ये ऊपर के बीड्स, डिवाइडर के ऊपर के बीड्स ये रहते हैं अपर बीड्स, और नीचे के ये लोअर बीड. ये जो डॉट रहते हैं ये सफ़ेद कलर के, इसे बोलते हैं यूनिट्स. मतलब ये यूनिट है 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख. ओके, हम यहाँ पे लाख तक वैल्यू निकाल सकते हैं. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक सॉन्ग है, 1 1 लकी 1, नंबर 1 लकी 1, 2 2 लवली यू, नंबर 2 लवली 2, 3 3 लेट्स बी फ्री, नंबर 3 लेट्स बी फ्री, 4 4 लेट्स डू मोर, नंबर 4 लेट्स डू मोर. ओके, 5 5 लेट्स फ्लाई हाई, नंबर 5 लेट्स फ्लाई हाई, 6 6 मिक्स एंड फिक्स, नंबर 6 मिक्स एंड फिक्स, 7 7 ओ दिस इज हेवन, नंबर 7 ओ दिस इज हेवन, 8 8 लेट्स गेट इट स्ट्रेट, नंबर 8 लेट्स गेट इट स्ट्रेट, 9 9 आर डूइंग फाइन, नंबर 9 आर डूइंग फाइन. ओके, नाउ विल मूव टूवर्ड्स आर क्वेश्चंस. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. हमारी पेंसिल निकाल लिया हमने, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ये जो यूनिट का रॉड है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ध्यान से सुनिएगा. ये जो यूनिट का रॉड है इसे बोलते हैं 1, इसे बोलते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, और 10. ओके, ये नीचे के बीड की वैल्यू 1 रहती है और ऊपर के 5. ओके, तो अब हम ये कितने बीड है, ये ऐसे है तो ये कितने हुए 1. ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं 1. ये कितने हुए, ये ऐसे तो ये 2 होगा, ये 3 है. ओके, ये 3 होगा, ये 4 बीड्स ऊपर मतलब ये 4. ओके, ये वैसे ही है 1 2 3 एंड 4. ओके, यहाँ पे हमें ड्राइंग बनानी है, यहाँ पे हमें लिखना नहीं है, ड्राइंग बनानी है. ओके, तो हमें 4 बीड्स बनाने हैं जैसे कि हमें नीचे बोला है. ओके, 4 यहाँ पे 1 ही बीड्स बनाना है, यहाँ पे 3 बनाने हैं, 1 2 3, यहाँ पे 2 बनाने हैं, यहाँ पे 4 बनाने हैं, 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पे 2 बनाने हैं, 1 2, यहाँ पे 3 बनाने हैं, यहाँ पे 1 बनाना है. ओके, अब हो गया नेक्स्ट क्या है, हमेशा याद रखिएगा कि जो पेंसिल आप ले रहे हो ये आपके हैंड में एकदम फिक्स हो जाए बड़ी आसानी से और एकदम इजीली से। ओके, फर्स्ट रो ये शुरू करते हैं हम 1 1 1 + 1 + 2 1 + 1 + 2। ओके, कितने बने 4। ओके 4 1 1 1 1 1 1 1 कितने बने 3 3 2 1 1 4 4। ये देखो अगर बीट्स ऐसे अरेंज है हम जूम करते हैं, जूम। ओके, जूम मतलब रिफ्रेश, सब गायब, जूम मतलब रिफ्रेश। ओके, यहाँ पे 4 A 4 1 2 1 1 2 1 4, यहाँ पे 1 3 - 1 1 3 - 1 3 हो गए, 2 2 - 2 2 3 - 1 + 1 3 1 + 3 - 3 1 ओके, यहाँ पे हमारी मिस्टेक हो तो ये बन गए 1। ओके, नेक्स्ट 1 - 1 4 1 - 1 4 कितने बचे 4 4 4 - 2 + 2 कितने बचे 4। ओके, तो अब बी वाली रो सॉल्व करते हैं। 3 - 1 + 1 कितने बचे 3, तो 3 लिखते हैं 1 2 और 1 4 4 4 - 2 + 1 3 3 1 1 - 1 कितने बचे 1। याद रखना ये नीचे जो बीड्स है ये पूरे के पूरे बीड्स 1 वैल्यू होल्ड करते हैं और ये अपर बीड्स 5 वैल्यू होल्ड करते हैं। मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो लाइंस है वर्टिकल लाइंस ये टोटल 13 है और इसमें टोटल 5 बोले तो फिर 65 टोटल बीड्स हो गए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। 2 2 - 4 2 2 - 4 कितने बचे 0 होगा ये। ओके, कुछ नहीं बचा तो 0, ये यूनिट से यहाँ से शुरू करना रहता है। 3 - 2 + 1 कितने बचे 2 2 1 1 4 1 2 - 3 0 3 - 2 + 2 3 2 - 1 + 3 ओके, कितने बचे 4। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड आवर नेक्स्ट पेज। ओके, यह हमारा नेक्स्ट पेज है। यहाँ पे हमें अब ये जो नंबर है ये देखिए, ज़रा ध्यान से देखिए इसे, ये यूनिट प्लेस पे अरेंज नहीं है। यहाँ पे जो डॉट दिख रहा है यहाँ पे अरेंज नहीं है, वो इसके लेफ़्ट साइड पे, मतलब यहाँ पे, मतलब ये क्या हुआ, ये हो गया हमारा 10s। ओके, मतलब ये 10, यहाँ पे 2 बीड है तो क्या हुआ 20। ओके, ये 20, यहाँ पे 3 बीड है तो क्या हुआ 30। ओके, यहाँ पे 4 है तो हुआ 40। ये वैसे ही है 10 20 30 40, यहाँ पे हमें वापस से ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, तो ये कर लिया हमने फिनिश। ओके, यहाँ पे 40 था तो 4 बीड्स 10s रॉड पे, यहाँ पे 10 था तो 1 बीड 10s रॉड पे, 30 30 20 20, यहाँ पे 42 था तो 40 रॉड्स 10s रॉड पे और 2 रॉड यूनिट पे। ओके, यहाँ पे 23 2 रॉड 10s पे 3 रॉड यूनिट पे, 31 31 14 14। ओके, समझ गया। अब लेट्स मूव टूवर्ड्स ए। ओके, प्लान प्लेस एंड पुश। ओके, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है थोड़े, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। 10 2 1 ये हो गया 10, 10s रॉड पे 10 + 2 + 1 कितने हुए 13। ओके, हमेशा याद रखिएगा जूम करके आंसर लिख लीजिए। ओके, 20 3 1 20 3 1 मतलब कितने बचे 24। ओके, जूम करके आंसर लिखिए 24 31 2 31 2 33 33 42 2 42 2 44 44 11 2 1 11 2 1 14 14 13 1 - 1 13 24 - 3 + 2 23 31 1 प्लस 1 कितने बचे 33 42 1 माइनस 3 42 1 माइनस 3 कितने बचे 40 34 माइनस 2 प्लस 1 कितने बचे 33 ओके। और यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं बी वाली रो तो 2 21 और 1 24 24 ओके। तो 3 11 माइनस 3 11 1 42 प्लस 1 44 2 31 प्लस मतलब -2 31 3 21 माइनस 3 3 मतलब 3 21 माइनस 3 21 42 1 प्लस 1 44 आ गए। अब ये 33 माइनस 2 प्लस 1 32 44 माइनस 3 2 44 माइनस 3 प्लस 2 43 11 2 माइनस 3 10 22 11 मतलब 22 प्लस 1 प्लस 1 24 ओके 24। मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है पर आई होप यू अंडरस्टैंड ओके। तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। यहाँ पे अब ये यूनिट रॉड है, यहाँ पे ऊपर क्या है ऊपर ये 5 है ओके। ये 5 की वैल्यू होल्ड करता है मैंने आपको बताया ओके मैंने आप। नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड क्वेश्चन। अब ये यूनिट रॉड के लेफ्ट हैंड साइड पर है ओके। लेफ्ट हैंड साइड पर ऊपर का बीड हमेशा वैल्यू 5 ओके। अब ये यूनिट का वर्टिकल रॉड है ओके और ये टेंस का तो 5 में टेंस क्या हो गया 50 ओके। तो ये 50 हो गया ये वैसे ही है ये 5 और ये 50। नाउ लेट्स मूव टू आवर एरो ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी एरो 1 5 और स्टार्ट करते हैं ओके। यहाँ पे नीचे ऊपर ही रख लीजिए स्टूडेंट्स क्योंकि ऐसे स्पीड फास्ट आती है ओके। चलो 1 5 और 2 1 5 और 2 प्लस 2 कितने हो गए 8 3 5 1 9 5 1 माइनस 1 5 2 5 माइनस 2 5 1 5 माइनस 1 5 2 माइनस 2 5 2 माइनस 2 5 कितने बचे 5 3 1 और 5 9 4 5 माइनस 4 5 ये यहाँ पे 5 3 माइनस 1 5 3 माइनस 1 कितने बचे 7 यहाँ पे लिख लीजिए जल्दी से 7 5 4 माइनस 3 5 4 माइनस 3 कितने बचे 6 ओके। उप्स सॉरी तो मुझे पता नहीं चला यहाँ पे 6 हो गए थे ओके। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड आवर बी रो ओके। चलो स्टार्ट करते हैं 5 1 माइनस 1 5 1 माइनस 5 5 1 माइनस 5 कितने बचे 1 ओके। यहाँ पे लिख लीजिए 1 और 2 2 5 माइनस 5 2 5 माइनस 5 कितने बचे 2 5 माइनस 5 5 माइनस 5 प्लस 5 कितने बचे 5 5 4 माइनस 5 5 4 माइनस 5 कितने बचे 4 ओके। लिख लीजिए जल्दी से यहाँ पे 4 ओके। अब 3 5 माइनस 5 3 5 माइनस 5 कितने बचे 3 5 2 माइनस 5 5 2 माइनस 5 कितने बचे 2 5 माइनस 5 2 5 माइनस 5 2 कितने बचे 2 और यहाँ पे 5 माइनस 5 4 5 माइनस 5 4 कितने बचे 4 ओके। यहाँ पे लिख लीजिए फटाफट से और 1 फाइव माइनस फाइव कितने बचे वन। और लास्ट क्वेश्चन फाइव थ्री माइनस फाइव, फाइव थ्री माइनस फाइव कितने बचे थ्री। ओके तो अब ये वाला स्टार्ट करते हैं। फिफ्टी फिफ्टी थ्री वन, फिफ्टी थ्री वन कितने बचे फिफ्टी फोर, फिफ्टी वन टू, फिफ्टी थ्री, फिफ्टी टू टू, फिफ्टी फोर, फिफ्टी फोर माइनस वन कितने बचे फिफ्टी थ्री, टू माइनस टू प्लस फिफ्टी कितने बचे फिफ्टी, थर्टी फिफ्टी माइनस फिफ्टी कितने बचे थर्टी, फिफ्टी 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 थ्री प्लस वन माइनस फिफ्टी कितने बचे फोर, फिफ्टी फाइव माइनस फिफ्टी कितने बचे जीरो, ट्वेंटी फाइव फिफ्टी टू और माइनस फिफ्टी ट्वेंटी सेवन, फिफ्टी फाइव थ्री माइनस फिफ्टी फाइव, फिफ्टी फाइव थ्री माइनस फिफ्टी फाइव कितने बचे थ्री। ओके यहाँ पे हमारी सी रो भी कंप्लीट हो चुकी है। ओके तो अब हम क्विज़ पार्ट की तरफ आते हैं। क्या आप मुझे ये क्विज़ बता सकते हैं, विच फेमस पर्सन वॉज द टेडी बियर नेम्ड आफ्टर। सोचिए सोचिए कौन था वो। चलो अगर आपको पता होगा मेरे से पहले तो कमेंट सेशन में मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ओके मैं बता देता हूँ कि इसका नाम था थियोडोरो वेस्ली। ओके मेरी हैंड राइटिंग मतलब तो मैं आपको बता देता हूँ कि उसका नाम था थियोडोरो वेस्ली। मेरी हैंड राइटिंग इतनी खास नहीं है तो अगर आप समझ सकते हैं तो समझ लीजिए। इसका नाम ये था। ये हो गया हमारा लेवल वन बुक ए का फर्स्ट लेसन। ये जो फर्स्ट लेसन है वो उसका क्लास वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इसका होमवर्क। ओके इसका भी होमवर्क रहता है समझे, इसका होमवर्क पढ़ने वाले हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।